आवारा से परेशान इंदौर नगर निगम अब विदेशी संस्थाओं की मदद लेने को मंजूर है। जी हां, यही वजह है कि रैबिस फ्री सिटी बनाने के लिए नगर निगम के बुलाने पर इंग्लैंड की एक संस्था शहर में आई हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वच्छता में नंबर वन इंदौर में अब आवारा कुत्तों के आतंक से छुटकारा दिलवाने के लिए नगर निगम विदेशी संस्था की मदद ले रहा है। जी हाँ, इंग्लैंड की संस्था डॉग ट्रस्ट शहर आई हुई है। ये संस्था रैबिस फ्री शहर बनाने की दिशा में काम करती है। गोवा को रैबिस फ्री शहर बनाने में इसी संस्था का योगदान था। यही वजह है कि आवारा श्वानों से परेशान नगर निगम अब इस संस्था की सेवा लेने के लिए मजबूर है। नगर निगम के बुलावे पर ये दल इंदौर आया और शहर के कई इलाकों का निरीक्षण भी किया। ये एक इंटरनेशनल दल है जो कि द डॉग ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है और काफ़ी पुरानी संस्था है जिसने एनिमल वेलफेयर के फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। और अभी हम लोगों ने चूंकि गोवा को जिस तरह से इन्होंने वहाँ पर काम करके एक अपने नए नए पैरामीटर सेट किए, पूरे शहर को, पूरी सिटी को रेबीज फ्री घोषित करके, इसी तरह का काम हम लोग भी चाहते कि हमारे इंदौर में आए और वो इस तरह का कुछ काम करके दिखाए। उनकी कुछ गाइडलाइन हम लोग लेना चाहते, कुछ टिप्स उनकी लेना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए उनको हम लोगों ने बर्ड एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की जो सपना चौसिया जी, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने उनको इन्वाइट किया था। आज आए, उन्होंने विजिट भी किया शेल्टर को और अभी हम लोगों ने शहर को किस तरह से रेबीज फ्री किया जाए इसके ऊपर हम लोग उनसे बात की है उनसे। और जाने के बाद फिर क्या उनकी गाइडलाइन मिलती है, किस तरह से उन्होंने गोवा को फ्री किया, उसी तरह से उसी पैटर्न पर, चूँकि जिस तरह की जो न्यूसेंस जो थोड़ा सा अभी शहर के अंदर डॉग्स को लेकर बढ़ा है, वो किसी तरह का मैनेज हो, उसी तरह कंट्रोल हो और रूल के साथ, रूल के नियमों को ध्यान में रखते हुए सब सारी चीज़ें कंट्रोल हो, तो उसके हम लोग जो हमारा कॉरपोरेशन उसके साथ हमारे एनजीओ और एनजीओ के साथ साथ इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन आया उसकी भी हम लोग हेल्प लेंगे और जो शहर में जो इस तरह की जो प्रॉब्लम हुई है उसको किसी तरह से मैनेज करने में इनकी हमको मदद मिल सके, इसी के तहत हम लोगों उसके साथ बैठ के विचार विमर्श किया है। ये दल फिलहाल कुछ दिन शहर का निरीक्षण कर आवारा श्वानों के मसले पर शहर की हालत देखेगा। उसके बाद ये संस्थान रैबिस फ्री शहर के लिए अपने सुझाव देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।